Myself PL Narada, assistant professor, and I am going to teach you today two literary terms, soliloquy and elegy. Soliloquy and elegy, जो literary terms है वो सभी competitive exams में plus BA second year में बहुत उपयोगी है और इनका अध्ययन करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा. इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा. डियर स्टूडेंट, सोलिलोकी. सोलिलोकी क्या होता है? सोलिलोकी शोकथन. जब कोई व्यक्ति सोलो जो होता है, सोलो का मतलब होता है एक, लकी कथन, एक व्यक्ति का कथन. जब कोई एक व्यक्ति अपने आप बोलता है तो उसको सोलिलोकी कहते हैं. आइए देखिए सोलिलोकी की क्या परिभाषा है. सोलिलोकी इज ए पॉपुलर लिटरेरी डिवाइस ऑफन यूज्ड इन ड्रामा टू रिवील द इनरमोस्ट थॉट्स ऑफ ए कैरेक्टर. सोलिलोकी इज अ पॉपुलर लिटरेरी डिवाइस. सबसे पहली बात है, सोलिलोकी बहुत ही पॉपुलर लिटरेरी डिवाइस है. ऑफन यूज्ड इन ड्रामा, और इसका प्रयोग ज़्यादातर ड्रामा में किया जाता है. दूसरी जो जॉनर है, जो विधाएं हैं, उनमें सोलिलोकी का प्रयोग कम किया जाता है. टू रिवील द इनरमोस्ट थॉट्स ऑफ ए करेक्टर, और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? जो करेक्टर होते हैं, जो पात्र होते हैं, उनके इनरमोस्ट को रिवील करने के लिए. इनरमोस्ट का मतलब होता है उनका हृदय, उनका अंतर्मन, उनके मन में क्या हो रहा है, इस बात को उजागर करने के लिए सोलिलोकी का प्रयोग ड्रामा में किया जाता है. इट इज़ अ ग्रेट टेक्निक यूज टू कन्वे द प्रोग्रेस ऑफ एक्शन ऑफ द प्लेयर. सोलिलोकी का प्रयोग क्यों किया जाता है? इट इज़ अ ग्रेट टेक्निक, ये बहुत बड़ी टेक्निक है. यूज टू कन्वे द प्रोग्रेस, जिसके द्वारा हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, प्रोग्रेस को दर्शा सकते हैं. कन्वे का मतलब होता है समझाना. एक्शन ऑफ द प्ले, किसी नाटक में जो एक्शन है उनकी प्रोग्रेस को हम सोलिलोकी के द्वारा समझा सकते हैं. सोलिलोकी एक ऐसी चीज़ होती है जिसके द्वारा हम किसी नाटक की प्रोग्रेस को बता सकते हैं. यहाँ पर हम एक सेंटेंस में सोलिलोकी की परिभाषा पढ़ेंगे, जिसको अंडरलाइन किया हुआ है. ए सोलिलोकी इज एन एक्टर सीक्रेट थॉट. एक सोलिलोकी जो होती है, एक एक्टर के गुप्त विचार होते हैं. अटर्ड अलाउड ऑन द स्टेज, जिनको स्टेज पे जोर से बोला जाता है. अटर्ड मतलब बोला जाता है, अलाउड जोर से, ऑन द स्टेज, स्टेज पर. टू अक्वेंट व्हाट इज पासिंग इन हिज माइंड, ऑडियंस को इस बात से परिचित कराने के लिए. टू अक्वेंट द ऑडियंस व्हाट इज पासिंग इन हिज माइंड, जो श्रोता है उनको इस बात से परिचित कराने के लिए. अक्वेंट का मतलब होता है परिचित कराने के लिए ऑडियंस को. व्हाट इज पासिंग इन हिज माइंड, कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है. जब कोई करेक्टर स्टेज पर आता है और वह सोलिलोकी बड़बड़ाता है, बोलता है, तो जो श्रोता होते हैं वो समझ जाते हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है. इट इज अटर्ड व्हेन नो अदर करेक्टर इज प्रेजेंट ऑन द स्टेज. अब यहाँ पे एक बात इम्पोर्टेंट है, सोलिलोकी को जब बोला जाता है तो स्टेज पे दूसरा कोई भी पात्र नहीं होता है. सोलिलोकी उस समय बोली जाती है जब दूसरा पात्र स्टेज पे नहीं हो. लेकिन जो दर्शक होते हैं वो तो सोलिलोकी समझ जाते हैं, लेकिन दूसरे पात्र उसको नहीं सुन पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं. ये होता है सोलिलोकी.
द वर्ड सोलिलोक्वी इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोलो विच मीन्स टू हिमसेल्फ। यहाँ पे हम सोलिलोक्वी शब्द का शब्दार्थ समझेंगे। सोलिलोक्वी इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोलो। सोलिलोक्वी जो शब्द है लैटिन भाषा के सोलो से लिया गया है, विच मीन्स टू हिमसेल्फ, और इसका मतलब होता है अपने आप से। एंड लिक्योर लॉक्योर विच मीन्स आई स्पीक रेस्पेक्टिवली, और जो लॉक्योर है उसका मतलब होता है आई स्पीक रेस्पेक्टिवली, मैं अपने आप से बोलता हूँ। इस तरह से सोली और लॉक्योर दो शब्द जो है उनसे सोलिलोक्वी बना, और इसका मतलब हो गया कि मैं अपने आप से बोलता हूँ, मतलब दूसरे से बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई व्यक्ति अपने आप बोलता है तो वो सोलिलोक्वी होती है। दोस्तों आपने मूवी देखी होगी राजा हिंदुस्तानी, जब जब आमिर खान से बिछड़कर करीना कपूर दूर चली जाती है, तो वो अपने रूम में जा कर के उसके मन में विचार आते हैं कि क्यों नहीं मैंने अपने माता पिता की बात नहीं सुनी और ऐसे आदमी का चयन किया। तो वो जो उसके मन में जो विचार आ रहे हैं आमिर खान के प्रति, जिनको दूसरे पात्र नहीं जानते लेकिन उनको ज़ोर से बोला जाता है ताकि जो दर्शक है उनके वो उन विचारों को जान लेते हैं। तो ये जो विचार है करीना कपूर के, जो एकांत में जो विचार है वो सोलिलोक्वी है। ऐसे ही नाटकों में भी होता था, स्टेज पर जब कोई पात्र आकर के उसके मन में जो घटनाएं, जो बातें आ रही थी उनको स्टेज पे ज़ोर से बोला जाता था। वो खुद नहीं बोलता था, पीछे से रंगमंच वाले बोलते थे, लेकिन उसके मन में जो हो रहा था उन विचारों को बोला जाता था, वो सोलिलोक्वी होता है। ए सोलिलोक्वी इज ऑफन यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ करेक्टर रिविलेशन टू द रीडर और द ऑडियंस ऑफ द प्ले। यहाँ पे एक बात जानना जरूरी है, सोलिलोक्वी इज ऑफन यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ करेक्टर रिविलेशन। सोलिलोक्वी को करेक्टर रिविलेशन का एक साधन के रूप में उपयोग किया जाता है। किसी पात्र के बारे में अगर बताना हो तो सोलिलोक्वी के माध्यम से रीडर को हम समझा देंगे या ऑडियंस को हम समझा देंगे ऑफ द प्ले, नाटक में। इट वॉज यूज अबाउंट ड्यूरिंग द एलिजाबेथन ईरा। सबसे ज़्यादा सोलिलोक्वी का जो प्रयोग हुआ वो एलिजाबेथन काल में हुआ। एरा का मतलब होता है युग, इपॉक। सबसे ज़्यादा सोलिलोक्वी का प्रयोग एलिजाबेथन काल के जो नाटक थे उनमें होता था। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, व्हाई इट इज़ यूज्ड, सोलिलोक्वी का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्या कारण है सोलिलोक्वी का प्रयोग नाटकों में क्यों होता है। इसके दो रीजन मैंने यहाँ पे आपको बताई है, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम एंड स्पेस। पहला जो कारण है वो तो है कि जब नाटककार को, जब ड्रामाटिस्ट को घटनाओं को कुछ पल में समेटना हो या चंद मिनटों में समेटना हो तो वो सोलिलोक्वी का प्रयोग करता है। ऐसे तो उसको बहुत सारी घटनाओं को जिक्र करना पड़ेगा, लेकिन सोलिलोक्वी के माध्यम से, उस पात्र के माध्यम से वो बहुत सारी घटनाओं को उसके दिमाग में ला करके बता देगा कि ऐसा ऐसा हो चुका है, ऐसा ऐसा होने वाला है। इससे नाटककार का समय बच जाता है और स्पेस बच जाता है। दूसरी बात है, एक्सपोज द फीलिंग्स एंड इंटेंशंस ऑफ द करेक्टर। सोलिलोक्वी का प्रयोग इसलिए भी किया जाता है क्योंकि इससे जो करेक्टर्स होते हैं, जो पात्र होते हैं, उनकी फीलिंग्स को एक्सपोज किया जाता है, उनको उजागर किया जाता है, और उनका जो इंटेंशन होता है कि वो क्या करने वाले हैं फ्यूचर में, वो क्या करने वाले हैं, उस चीज़ का भी हमें पता लग जाता है। इसीलिए सोलिलोक्वी का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ सोलिलोक्वी इन लिटरेचर। शेक्सपियर मेड एक्सटेंसिव यूज ऑफ सोलिलोक्वी इन हिज प्लेस। सबसे ज़्यादा सोलिलोक्वी का प्रयोग जो है शेक्सपियर ने किया है उसके नाटकों में।
बट बिफोर शेक्सपियर वी फाइंड कंसीडरेबल यूज ऑफ दिस सिग्निफिकेंट ड्रामेटिक टेक्निक इन क्रिस्टोफर मार्लोस प्ले डॉक्टर फॉस्टस। लेकिन शेक्सपियर से पहले भी डॉक्टर फॉस्टस नामक एक प्ले है जो कि क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है और ये एक मॉरेलिटी प्ले है। उसमें भी सोलिलोकी का खूब प्रयोग हुआ है, मेफिस्टोफेलीस और डॉक्टर फॉस्टस। डॉक्टर फॉस्टस जो है अपने पतन के बारे में और फ्यूचर प्लान के बारे में बहुत सी बार सोलिलोकी सोचता है। मॉडर्न प्लेज डू नॉट हैव मैनी एज मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ सोलिलोकी एज रेनेसायरा। मॉडर्न जो प्लेस है उनमें उतने एग्जाम्पल्स नहीं मिलते हैं सोलिलोकी के जितने कि एलिजाबेथन या रेनेसायरा में मिलते थे। इन द प्ले हैमलेट, हैमलेट इज इन द स्टेट ऑफ माइंड दैट ओनली शेक्सपियर कैन डिस्क्राइब्स दो हिज मैग्निफिशेंट थ्रू हिज मैग्निफिशेंट पेन। शेक्सपियर का एक नाटक है जिसका नाम है हैमलेट और उसका जो प्रोटैगनिस्ट है उसका जो मुख्य पात्र है उसका नाम हैमलेट है जो कि डेनमार्क का प्रिंस है और वो भी सोलिलोकी के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करता है और उन विचारों को शेक्सपियर ने अपने भव्य कलम से वर्णन किया है। अनसर्टेन रिलक्टेंट प्रिंस हैमलेट वॉज लिटरली अनेबल टू डू एनीथिंग बट मेयरली वेट टू कैच द कॉन्शियंस ऑफ द किंग टू कंप्लीट हिज सपोज प्लान। यहाँ पे जो हैमलेट है उसके पिताजी की हत्या उसके चाचा ने कर दी और उसकी माँ के साथ उसने शादी कर ली। अब प्रिंस हैमलेट बड़ी दुविधा में है और वो अपनी दुविधा को कहता है टू बी और नॉट टू बी, टू बी टू डाई और नॉट टू डाई, मतलब वो मरना चाहता है लेकिन उसको जो है मरने के बाद जो दुख मिलेंगे वो डर भी सता रहे हैं, इसीलिए वो एक मॉरल डिलीमा से गुजरता है, नैतिक दुविधा से वो गुजरता है और वो इंतजार करता है। प्रिंस हैमलेट वॉज लिटरली अनेबल टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने में वो समर्थ है बट मियरली वेट, सिर्फ उसको इंतजार करना है, मियरली वेट मात्र उसको इंतजार करना है और कुछ नहीं करना उसको। टू कैच द कॉन्शियंस ऑफ द किंग, ताकि वो उसके चाचा जो कि राजा है उसका कॉन्शियंस को कैच कर सके, उसकी आत्मा को वो कैच कर सके, कंप्लीट हिज सपोज प्लान, और उसका जो सपोज प्लान है उसके चाचा को मारने का उसको वो कंप्लीट कर सके। डिफरेंस बिटवीन सोलिलोकी एंड मोनोलॉग, यहाँ पे एक चीज़ देखिए सोलिलोकी और मोनोलॉग में क्या डिफरेंस है। मोनोलॉग भी एक कथन होता है, मोनो का मतलब होता है एक, लोग मतलब स्पीच, एक आलाप जिसको हम कहते हैं। मोनोलॉग एंड असाइड आर डिस्टिंक्टली डिफरेंट फ्रॉम सोलिलोकी। एक तो होता है मोनोलॉग और एक होता है असाइड। मैं यहाँ पे दोनों चीज़ें आपको समझा दूँ। मोनोलॉग जो होता है वो एक व्यक्ति बोलता है लेकिन ये ड्रामेटिक होता है, बोलता एक ही व्यक्ति है लेकिन दूसरे व्यक्ति की प्रेजेंस वहाँ पे होनी चाहिए, वो किससे बोल रहा है ये होना चाहिए। जैसे ड्यूक माय लास्ट डचेस जो पोइम है उसमें ड्यूक जो है वो दूत से बोलता है जो कि पेम्ब्रुक से आया हुआ है उससे। और असाइड क्या होता है, जब दो पात्र आपस में बातें कर रहे हो और एक व्यक्ति थोड़ा सा दूसरी तरफ देख करके जो मन में जो विचार लाता है जिनको सामने वाला व्यक्ति नहीं जानता लेकिन दर्शक जानते हैं,
दर्शकों को पता है कि इसने अभी क्या सोचा इसके बारे में, जो दूसरा पात्र स्टेज पे है उसके बारे में अभी उसने हाल ही में क्या सोचा, उसको असाइड कहते हैं। अब यहाँ पर इन दो चीज़ों को, क्योंकि इनमें भी बोलते नहीं है पात्र, केवल सोचते हैं, तो ऐसे में मोनोलॉग में तो जो होता है पात्र बोलता भी है, लेकिन सुनने वाला जो है साइलेंट होता है, लिसनर साइलेंट होता है, वो बिल्कुल भी कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करता, इंटरप्ट नहीं करता है। और असाइड जो होता है उसमें जो है मन में विचार आते हैं, और जो दूसरा स्टेज पे करेक्टर है वो बिल्कुल नहीं बोलता, वो समझ नहीं पाता कि इसके मन में क्या विचार आया है। मोनोलॉग एंड असाइड आर डिस्टिंक्टली डिफरेंट फ्रॉम सोलिलॉक्वी, ये दोनों चीज़ें भी सोलिलॉक्वी से अलग हैं। ऑल्दो लाइक सोलिलॉक्वी ए मोनोलॉग इज ए स्पीच, हालांकि मोनोलॉग भी एक स्पीच ही होता है, द पर्पस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ बोथ इज डिफरेंट, लेकिन फिर भी दोनों का जो उद्देश्य है, दोनों की जो प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल अलग है, प्रस्तुतिकरण अलग अलग है। जैसा कि मैंने बताया मोनोलॉग में स्पीकर बोलता है लेकिन सुनने वाला साइलेंट रहता है, सोलिलॉक्वी में स्पीकर नहीं बोलता, सिर्फ उसके विचारों को जोर से बोला जाता है ताकि दर्शक समझ जाए। इन ए मोनोलॉग ए करेक्टर यूजली मेक्स ए स्पीच इन द प्रेजेंस ऑफ अदर करेक्टर, मोनोलॉग में क्या होता है, जो पात्र होता है वह बोलता है और दूसरे व्यक्ति की उपस्थिति में बोलता है, लेकिन वह दूसरा पात्र शांत रहता है, चुपचाप बैठा रहता है। वाइल इन सोलिलॉक्वी, जबकि सोलिलॉक्वी में द करेक्टर और स्पीकर स्पीक्स टू हिमसेल्फ, जो करेक्टर होता है, जो पात्र होता है, वह खुद अपने आप से बोलता है। By doing this so, the character keeps these thoughts secret from the other characters of the play. और इस प्रकार से वो अपने विचारों को गुप्त रखता है दूसरे पात्रों से। और aside में क्या होता है, an aside on the other hand is a short comment by a character toward the audience. Aside में on the other hand दूसरी तरफ इज ए शॉर्ट कमेंट, एक छोटा सा कमेंट होता है, जैसे कुछ बातें दो लोग बातें कर रहे हैं और उनमें से एक जो है धीरे से अपने मन में सोचता है हाँ ऐसा ही है, कुछ दो लोग बातें कर रहे हैं और उससे अगर अपोजिट बात करनी है तो उसको मन में ही कह देता है, उसको कहते हैं असाइड। जैसे दो व्यक्ति अच्छी बातें कर रहे हैं और जो एक व्यक्ति है वो मन में कह देता है हाँ ऐसे ही मरोगे तुम, तो इस तरह का जो स्पीच उसने बोला उसको असाइड कहते हैं। ऑफन फॉर अनदर करेक्टर बट यूजुअली विदाउट हिज नॉलेज, दूसरे पात्र के बारे में हालांकि ये कथन बोला जाता है लेकिन वो दूसरा व्यक्ति जो वहाँ खड़ा है वह कुछ भी उसको नहीं सुन पाता है, यह होता है असाइड और सोलिलॉक्वी में डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे लिटरेरी टर्म्स की ओर, जिसका नाम है इलेजी। और इलेजी क्या होती है, इलेजी मतलब होता है शोक गीत, दुख का गीत। इलेजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इलेजस विच मीन्स ए सॉन्ग ऑफ ब्रीवमेंट संग अलोंग विद ए फ्लूट। इलेजी का शब्द जो है इलेजस से लिया है, जो कि ग्रीक भाषा का है, और इसका मतलब होता है ए सॉन्ग ऑफ ब्रीवमेंट संग अलोंग विद ए फ्लूट, एक दुख का गीत जिसको बांसुरी के साथ गाया जाता है, फ्लूट के साथ जिसको गाया जाता है उसको कहते हैं इलेजी। द मॉडर्न पोम्स ऑफ इलेजी वर इंट्रोड्यूस इन द 16th सेंचुरी, वर्तमान में जो इलेजीज लिखी जाती है और ये जो इलेजी लिखने का जो रूफ है, जो फॉर्म है, उसको 16वीं शताब्दी में इंट्रोड्यूस किया गया था, उसकी उत्पत्ति 16वीं शताब्दी से है। इलेजी इज़ अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर दैट कैन बी डिफाइंड एज पोइम और सॉन्ग इन द फॉर्म ऑफ इलेजाइक कपलेट।
एलेजी जो होती है लिटरेचर का, साहित्य का एक रूप है, और जिसको हम एक पोएम या एक सॉन्ग कह सकते हैं, और जो कि एलेजाई कपलेट में लिखा जाता है। एलेजी के लिए आवश्यक है कि एलेजाई कपलेट हो। अब ये एलेजाई कपलेट क्या होता है, यहाँ पे देखिए, एलेजाई कपलेट होता है अ कपलेट ऑफ डेक्टिलिक हेक्सामीटर फॉलोड बाय डेक्टिलिक पेंटामीटर। एक कपलेट होता है जिसमें हेक्सामीटर को पेंटामीटर फॉलो करता है, डेक्टिलिक हेक्सामीटर को डेक्टिलिक पेंटामीटर फॉलो करता है। पेंटामीटर का मतलब होता है 5 मीटर, जैसे मैंने आपको आयम्बिक पेंटामीटर में बताया था, उसमें भी 5 मीटर होते हैं, लेकिन वो आयम्बिक पेंटामीटर होता है, यहाँ डेक्टिलिक पेंटामीटर है। और डेक्टिलिक में आपको बाद में बताऊंगा, पहले हेक्सा और पेंटा समझिए। हेक्सा का मतलब होता है जो गिनती होती है, मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा सब सस्टेट इस तरह से। तो हेक्सामीटर जो होता है उसके द्वारा फॉलो किया जाता है पेंटामीटर को। हेक्सामीटर जो होता है हेक्सामीटर, हेक्सा का मतलब होता है 6 और पेंटामीटर मतलब 5 मीटर। 6 डेक्टिलिक, जो 6 हेक्सामीटर होते हैं जो कि डेक्टिलिक होते हैं, उनको 5 मीटर द्वारा फॉलो किया जाता है। मतलब पहले 6 हेक्सामीटर वाली लाइन आती है, फिर 5 मीटर वाली लाइन आती है, और ये डेक्टिलिक होती है। अब डेक्टिलिक समझाता हूँ मैं आपको, डेक्टिलिक क्या होता है। डेक्टिलिक जो वर्ड है उसका मतलब होता है एक लॉन्ग सिलेबल और फिर उसके बाद 2 शॉर्ट सिलेबल, उसको बोलते हैं डेक्टिलिक। और हेक्सामीटर मतलब 6 मीटर। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि जो एक लंबा सिलेबल फिर उसके बाद 2 छोटे सिलेबल, इस तरह के 6 हेक्सामीटर आएंगे, और उसके बाद वाली लाइन में इसी तरह के 5 मीटर आएंगे। ये होता है एलेजाई कपलेट। तो एलेजी जो होती है वो एलेजाई कपलेट में लिखी जाती है। इन मॉडर्न यूजेज इट इज द थीम दैट मैटर्स नॉट द मीटर। अब ये मीटर बड़ा टेढ़ा था, इसीलिए आधुनिक जो एलेजीज लिखी जाती है उनमें मैटर को छोड़ दिया, सिर्फ मैटर जो है वो इम्पोर्टेंट है, मीटर जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि एलेजाई मीटर थोड़ा कठिन होता था, बहुत दिक्कत आती थी, इसलिए मीटर जो है उसको छोड़ दिया, सिर्फ मैटर पे ध्यान देने लगे हैं। द ओल्ड एलेजाइक मेजर इज नॉट यूज्ड इन इंग्लिश वर्स। इंग्लिश जो कविताएं हैं, वर्स मतलब कविता, उनमें पुराना वाला एलेजाइक मेजर काम में नहीं लिया जाता है। एन एलेजी नाउ अडेस टेक्स इट्स नेम फ्रॉम इट्स सब्जेक्ट मैटर नॉट फ्रॉम इट्स पोम। वर्तमान में जो एलेजी लिखी जाती है वो सब्जेक्ट मैटर पे ज़्यादा ध्यान देती है, न कि इसके फॉर्म पे। द थीम ऑफ एन एलेजी मस्ट बी मॉर्नफुल और सैडली रिफ्लेक्टिव। एलेजी का जो थीम है वो मॉर्नफुल होना चाहिए और रिफ्लेक्टिव होना चाहिए, सैडली रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव चिंतनशील होना चाहिए किसी दुख भरे मैटर पर। इट इज रिटन इन द ऑनर ऑफ समवन डिसीज्ड। देखो ये इम्पोर्टेंट बात है, एलेजी किस मैटर पे लिखी जाए, एलेजी का मैटर क्या हो। इट इज रिटन इन द ऑनर ऑफ समवन डिसीज्ड। डिसीज्ड का मतलब होता है जिसकी हत्या हो गई हो, जिसको मार दिया गया हो। एलेजी ऐसी विषय वस्तु पे लिखी जाती है, ऐसे व्यक्ति पे लिखी जाती है जिसको डिसीज कर दिया हो, जिसकी हत्या कर दी गई हो। It typically laments or mourns the death of the individual। ये विलाप करती है, लेमेंट है शोक गीत होता है, मौर्न ये विलाप गीत होता है किसी व्यक्ति की मौत पे। Elegy is one of the richest literary form because it has the capacity to express emotions that deeply influence people। Elegy जो होती है बहुत ही
अच्छी साहित्यिक लिटरेरी फॉर्म्स है, साहित्यिक रूप है भाषा का, बिकॉज इट हैज़ द कैपेसिटी टू एक्सप्रेस इमोशंस, क्योंकि इसके अंदर इमोशंस को एक्सप्रेस करने की कैपेसिटी होती है, इसके अंदर भावनाएं भरी हुई रहती है। इलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्च यार्ड बाई थॉमस ग्रे, थॉमस ग्रे की कविता का नाम है इलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्च यार्ड, जो कि सेकेंड ईयर में फर्स्ट पोइम है। उसमें बताया गया है कि कैसे गांव वाले जो लोग थे वो अनजान व्यक्ति की तरह मर गए, अन्यथा उनके अंदर भी ऐसी टैलेंट थी कि वो मिल्टन जैसी कविता लिख सकते थे, हैम्पटन जैसे हो सकते थे, क्रोमवेल जैसे हो सकते थे, लेकिन वो ऐसे ही चले गए जैसे जंगल में फूल खिलता है और उसको कोई नहीं देखता और वो सूख जाता है। अगर उनको चांस मिलता तो वो बहुत दूर हो सकते थे जॉन हैम्पटन की तरह, मिल्टन की तरह पोइटिक टैलेंट उनमें हो सकती थी। और इसी बात को थॉमस ग्रे ने इलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड कविता में दिखाया है। दूसरी इलेजी है व्हेन लिलेकस लास्ट इन द ड्यूरियाड ब्लूम्ड बाय वॉल्ट व्हिटमैन, और ये दोनों इलेजीज आर द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल्स ऑफ इलेजीज, इलेजीज के बहुत ही पॉपुलर उदाहरण हैं। फीचर्स ऑफ इलेजीज, इलेजी में क्या फीचर्स होने चाहिए, इलेजी के लिए क्या आवश्यक गुण हैं, इलेजी में कौन कौन से महत्वपूर्ण गुण हो, ये यूजुअली इलेजीज आर आइडेंटिफाइड बाय सेवरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जोनर। अक्सर इलेजीज में बहुत सारी विशेषताएं होती है, ये जो जोनर है, ये जो विदा है, इसमें अपने आप में बहुत गुण है, इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। पहली जो विशेषता है वो क्या है, इट स्टार्ट्स विद इनवोकेशन ऑफ द म्यूज, इलेजी की शुरुआत म्यूज के इनवोकेशन से होती है। जैसे महाकाव्य होता है एपिक, उसमें शुरू में किसी देवी देवता का आह्वान किया जाता है, इसी तरह से इलेजी में भी म्यूज को इन्वोक किया जाता है। इन्वोक का मतलब होता है आह्वान करना म्यूज देवी देवताओं को, एंड देन प्रोसीड्स बाय रेफरेंसिंग ट्रेडिशनल माइथोलॉजी, और उसके बाद जो ट्रेडिशनल माइथोलॉजी है, माइथोलॉजी पौराणिक कथाएं, उनका रेफरेंस दिया जाता है। दूसरी जो विशेषता है इलेजी की, क्वेश्चंस आर रेज्ड बाय द पोइट अबाउट डेस्टिनी जस्टिस एंड फेट। इलेजी में क्या होता है, जो इलेजी लिखने वाला है वो डेस्टिनी के बारे में, जस्टिस के बारे में और फेट के बारे में क्वेश्चन रेज करता है, ऐसा क्यों हुआ, उनके भाग्य में ऐसा क्यों नहीं लिखा था, इस तरह के क्वेश्चन रेज करता है। तीसरी विशेषता एलेजी की क्या है, द पोइट एसोसिएट्स द इवेंट्स ऑफ द डिसीज्ड विद इवेंट्स इन हिज ओन लाइफ बाय ड्रॉइंग ए सटल कंपैरिजन। जो व्यक्ति मर गए, जिनके ऊपर एलेजी लिखी गई है, डिसीज्ड पर्सन, उनके जीवन की घटनाओं को कवि अपने जीवन की घटनाओं से जोड़ता है और उनमें एक सटल कंपैरिजन स्थापित करता है। सटल मतलब सूक्ष्म कंपैरिजन, तुलना उनमें वो सेट करता है। जैसे थॉमस ग्रे है, उसने जो इलेजी लिखी उसमें लास्ट में उसने कवि के बारे में लिखा है कि एक कवि था जो पहाड़ों पे घूमता था, वो कवि और कोई नहीं थॉमस ग्रे था। तो वो उन विलेज, उन रूट फॉर फादर्स से, उनकी लाइफ से अपने बीच में एक कंपैरिजन तैयार करता है। इसके बाद जो चौथी विशेषता है इलेजी की, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पोइट जनरली ट्राइज टू प्रोवाइड कंफर्ट टू ईज द पेन ऑफ द सिचुएशन। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पोइट, कविता के अंत में, पोइम के एंड में कवि जो है जनरली ट्राइज टू प्रोवाइड कंफर्ट, कवि आराम प्रदान करता है,
द पेन ऑफ द सिचुएशन, जो सिचुएशन से जो पेन मिला उसका सॉल्यूशन कवि बताता है। जैसे हम इलेजी रिटर्न इन ए कंट्री चर्चयार्ड का उदाहरण लें, उसमें बताया गया है कि अगर उन गांव के लोगों को मौका मिलता तो बहुत महान व्यक्ति हो सकते थे, लेकिन नहीं हुए, क्योंकि कवि ने बाद में ये भी बताया है अगर वो महान व्यक्ति हो सकते थे तो महान अपराधी भी हो सकते थे, और उनको अपराध करने से रोका गया। इस तरह से कवि कंफर्ट महसूस करता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा भी नहीं हुआ, इसलिए ये अच्छी ही बात है। और लास्ट जो पॉइंट है एलेजी के बारे में, एन एलेजी इज़ नॉट ऑलवेज बेस्ड ऑन ए प्लॉट। एलेजी का कोई प्लॉट नहीं होता, कोई पृष्ठभूमि नहीं होती, एलेजी कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, उसका प्लॉट नहीं होता है। इंग्लिश लिटरेचर की कुछ मोस्ट एलेजीज का मैं यहाँ जिक्र करूँगा। इन मेमोरियम जो कि टेनिसन ने लिखी है उसके मित्र की याद में, एडोनिस जो कि पी बी सेली ने लिखी है उसके मित्र की याद में, लाइसिडास जो कि मिल्टन ने लिखी है, और इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी यर्ट्स जो कि ओडन ने लिखी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एलेजीज है। यहाँ पे मैं दो एलेजीज के उदाहरण दे रहा हूँ। विद द फार्मिंग ऑफ द वर्स मेक अ वाइनयार्ड ऑफ द कर्स, कविता की खेती के द्वारा जो कर्स है उसको वाइनयार्ड में बदला जाएगा, लताओं में बदला जाएगा उसको। इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी यट्स की ये लाइन है, उसमें वो कविता के महत्व के बारे में बताता है। इसी तरह से ओ कैप्टन माह कैप्टन आवर फियरफुल ट्रिप इज डन, द सिप हैज़ विदर्ड एवरी रेक, द प्राइज वी सॉट इज वॉन, ओ कैप्टन माह कैप्टन वॉट विट मैन। वॉट विट मैन की ये दूसरी कविता है जिसमें वो अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के बारे में एलेजी लिखता है। एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड इज परहैप्स द बेस्ट नाउन एलेजी इन इंग्लिश लिटरेचर बिकॉज इट हैज ऑल द फीचर्स ऑफ एन एलेजी। द जो एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड ग्रे की जो एलेजी है, अंग्रेजी साहित्य की सबसे महान एलेजी है, क्योंकि इसमें एलेजी के सभी गुण हैं। इट इज़ रिफ्लेक्टिव पोइम, सबसे पहली चीज़ ये रिफ्लेक्टिव पोइम है। इन ए प्लेंटी मूड एंड स्टार्ट्स विद दिस लाइन, सिंपल मूड में लिखी गई है और इस लाइन से स्टार्ट होती है, कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ द डाइंग डे। शाम के समय घंटियों की आवाज़ आती है, जैसा कि हमने पढ़ा था एलेजी के बारे में कि देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, घंटियों की आवाज़, मंदिरों में जो घंटियों की आवाज़ है उन घंटियों की आवाज़ को वो जो पास्चर से जो जानवर लौट रहे हैं उनके गले की घंटियों की आवाज़ के साथ सम्मिलित कर दिया गया है। द फर्स्ट थ्री स्टेंजा ऑफ द पोएम बिल्ड अप एन एटमोस्फियर ऑफ इवनिंग, पहले जो तीन स्टेंजा है उनमें इवनिंग का एटमोस्फियर क्रिएट किया गया है। ग्रे हैज़ रिफ्लेक्टेड फिलोसफिकली इन अ मोरलाइजिंग टोन, ग्रे ने मोरलाइजिंग टोन में समझाया है, उसकी जो फिलोसफी है उसको बहुत ही शानदार तरीके से समझाया है। नाइदर वेल्थ नोर पावर नोर ग्लोरी कैन सेव अस फ्रॉम डेथ, ना तो गौरव ना पावर हमें मौत से बचा सकता है। मौत तो आएगी तो कोई नहीं बचा सकता, और उसको फिलोसफिकल तरीके से कवि ने कैसे समझाया है। द पथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द
ग्रेव। द पथ ऑफ ग्लोरी, द पथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। गौरव का रास्ता ले जाता है हमें, लेकिन कहाँ? कब्र में। आदमी कितना भी गौरवशाली हो जाए, जाना तो वही है। इस तरह से इलेजी एक बहुत ही अच्छी डिवाइस है जिसके द्वारा हम जान सकते हैं किसी फेमस व्यक्ति के बारे में। तो स्टूडेंट्स, इसको पढ़िएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।